साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखा देखी ऐतिहासिक बनने की होड़ मच गई है और इसी होड़ के चक्कर में जल्दबाजी में वो ऐसे निर्णय लेते हैं जो निर्णय लगातार लोगों के निशाने पर आ जाते हैं और उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। चूँकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों को कॉपी करने की कोशिश करती है, तो ऐतिहासिक बनने की होड़ में इस बार नाम आया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी का। दरअसल उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में कॉमन मिनिमम सिलेबस यानी न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू करने का फरमान जारी कर दिया है। फरमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि श्रवण कुमार सिंह जो विशेष सचिव हैं उच्च शिक्षा में, उन्होंने 30 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के राज्य के तमाम सारे विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखते हुए पहले तो देखिए कहा कि 15 मई तक बोर्ड ऑफ स्टडीज में विचार कर लीजिए आप कि 70% कम से कम आपको जो सिलेबस राज्य सरकार द्वारा तैयार करके दिया जा रहा है इसमें से 70% सिलेबस एज इट इज आपको ले लेना है। केवल 30% सिलेबस में आप बदलाव कर सकते हैं। उस 70% सिलेबस को कॉमन मिनिमम सिलेबस कहा जा रहा है। कैसे कॉमन मिनिमम कैसे हो गया 70% सिलेबस, पहले तो इस पर सवाल उठे। चलिए खैर, सरकार कह रही है कि हमने विचार करने को कहा, जैसा कि इस आदेश में दिख रहा है आपने कहा कि 15 मई तक बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोग विचार कर लें। इसी पत्र में आगे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने जो सिलेबस आपको थमाया है उसी सिलेबस को हर हाल में 1 जुलाई 2021 से लागू करें। तो जब लागू करने का आदेश आप दे रहे हैं तो आपने विचार करने का समय कहां दिया। इसी वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनीत वर्मा, साफ शब्दों में उन्होंने इस कॉमन मिनिमम सिलेबस का विरोध करते हुए इसको विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। लूटा अध्यक्ष डॉक्टर विनीत वर्मा की ही बात का समर्थन करते हुए लुआक्टा यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से जितने भी एसोसिएटेड डिग्री कॉलेज हैं उनके शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने भी बाकायदा पत्र लिख करके उप मुख्यमंत्री को विरोध किया है। उन्होंने क्या क्या विरोध किया ये आगे आपको बताऊँगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि और किस किस ने विरोध किया है। फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, जो प्रदेश स्तर का संगठन है, इन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीडी पांडे ने भी विरोध दर्ज कराया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने तो सीधे सीधे पत्र लिख करके कह दिया कि हम कॉमन मिनिमम सिलेबस लागू नहीं करेंगे। ऐसे ही तमाम सारे अन्य विश्वविद्यालयों में जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि डूटा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर आलोक पांडे ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यूजीसी जो ये विश्वविद्यालयों पर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर थोपना चाह रही है कॉमन मिनिमम सिलेबस के नाम पर, ये विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करने का एक तरीका है। दरअसल केंद्र सरकार पर लगातार संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्टीकरण के, उनकी स्वायत्तता स्वतंत्रता पर हमला करने के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए तमाम सारे लोग दबी जुबानी ये मान रहे हैं कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म करके कॉमन मिनिमम सिलेबस के आधार पर, अभी तो राज्य सरकार अपना सिलेबस दे रही है कि विश्वविद्यालयों में यही चलाओ, आगे चल करके अपनी विचारधारा का सिलेबस तैयार करके एक तरीके से विश्वविद्यालयों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी चल रही है। तमाम सारी जगह कुलपतियों की नियुक्तियों पर भी इसलिए सवाल उठे क्योंकि कुलपति की नियुक्ति पर देखा जा रहा था कि कुलपति का एकेडमिक प्रोफाइल भले ही बहुत शानदार ना रहा हो लेकिन उनका संघीय पृष्ठभूमि से होना प्रथम योग्यता माना जाने लगा था। इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए तमाम सारे न सिर्फ राज्य विश्वविद्यालयों ने बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी इस कॉमन मिनिमम सिलेबस का विरोध किया है। आखिर इन तमाम सारे संगठनों की अन्य आपत्तियां क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हम ये न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है कि नई शिक्षा नीति में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम की कोई अवधारणा नहीं है। 70% राज्य सरकार द्वारा बदलाव न्यूनतम की श्रेणी में नहीं आता,
वही बात जो मैं पहले कह चुका हूं, आप कह रहे हैं कि 70% सिलेबस हमारा रखिए, तो फिर न्यूनतम सिलेबस कहां बदलाव की बात हुई। दूसरा, 70% पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा और 30% पाठ्यक्रम का निर्धारण विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने से विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी, जबकि नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को अकादमिक स्वायत्तता दिए जाने पर बल दिया गया है। मतलब दिनेश शर्मा जी जो नई शिक्षा नीति की आड़ में जो ये खेल कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। तीसरा, विश्वविद्यालय शोध केंद्र ना होकर सिर्फ डिग्री देने की संस्थाएं भर बनकर रह जाएंगे। इसी बात को लेकर के लूटा के अध्यक्ष डॉक्टर विनीत वर्मा अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहते हैं कि हर विश्वविद्यालय की अपनी एक खासियत होती है और वो खासियत वहाँ के बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा तैयार किए गए सिलेबस द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए अलग अलग सिलेबस रखने की परंपरा रखी गई है ताकि बोर्ड ऑफ स्टडीज ये डिसाइड कर सके कि हम अन्य विश्वविद्यालयों से कंपटीशन में कहाँ पीछे रह जा रहे हैं। विरोध कर रहे संगठनों का एक और तर्क है कि सामान्य पाठ्यक्रम लागू किए जाने से शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी तथा राज्य उत्तर प्रदेश के तमाम उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों तथा विदेशी विश्वविद्यालयों से वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में पीछे रह जाएंगे। इसलिए तमाम सारे शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिनेश शर्मा जी अड़े हुए हैं कि मुझे हर हाल में जुलाई 2021 से इसको लागू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिखाना है कि आप नई शिक्षा नीति लेकर आए और उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया सबसे पहले जिसने कॉमन मिनिमम सिलेबस के तहत पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में एक समान सिलेबस लागू कर दिया। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार की अगर नियत ठीक है तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज को पर्याप्त समय इसमें संशोधन के लिए क्यों नहीं दिया गया। 30 अप्रैल को आपने पत्र लिखा, आप कह रहे हैं कि 8 जून तक हर हाल में सभी विश्वविद्यालयों को बता देना है कि हमने अपने यहाँ क्या क्या परिवर्तन किए हैं और जुलाई से उसको लागू भी कर देना है, तो एक तरीके से किसी फरमान से कम नहीं है। आनन फानन में बनाया गया इस सिलेबस पर भी सवाल उठा रहे हैं ये संगठन। उनका कहना है कि इसमें महत्वपूर्ण जो शिक्षाविद रखे जाने चाहिए थे हर विषय के विशेषज्ञ के तौर पर, उनको नहीं रखा गया। जो सिलेबस तैयार किया गया है हम उस सिलेबस से ही संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए राज्य विश्वविद्यालयों को जो अभी तक मिला हुआ था अधिकार कि वो अपना सिलेबस खुद तय कर पाएं, इसी के तौर पर विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों की अपनी अपनी पहचान थी, उस पहचान को खत्म ना किया जाए। विभिन्न भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपना एजेंडा, अपनी विचारधारा सिलेबस के आधार पर विश्वविद्यालयों पर ना थोपें, उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला ना करें, इसीलिए तमाम सारे संगठन विरोध दर्ज करा रहे हैं। चलते चलते उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के लिए देश भर से आए तमाम सारे शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं जरूर सुना देता हूं, देख लीजिए। ये जो कॉमन मिनिमम सिलेबस को लागू करने की बात की जा रही है उसमें मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो कॉमन मिनिमम सिलेबस की जरूरत क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनकर के आई है वो कहती है कि पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, नए नए तरह के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में चल रहे होने चाहिए, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी के विपरीत तमाम यूनिवर्सिटीज में कोर्स जो चल रहा है उसको कॉमन करने की बात की जा रही है। अगर कॉमन सिलेबस करना है तो आपको पहले हाईस्कूल इंटर का करना होगा। वहां पे मुख्य रूप से 3 बोर्ड आपके उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। क्या वहां पे कुछ ऐसा प्रयास सरकार ने किया कि ये तीनों बोर्ड मिलकर के कोई एक कॉमन मिनिमम सिलेबस चलाए? वहां तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो नीचे तो स्वतंत्रता है कि क्या सिलेबस चलाए, लेकिन हायर एजुकेशन में जहां स्वतंत्रता होनी चाहिए वहां पे बाध्यता हो गई कि नहीं यही पढ़ाना है, तो इसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर निश्चित रूप से पड़ेगा। आज जो विश्वविद्यालयों की स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार में हो गई है उसमें एक मुझे लगता है कि गहरा संकट आ खड़ा हुआ है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता चुनौती के ऊपर एक बड़ी चुनौती सरकारों ने खड़ी कर दी है। पिछले 1.5 वर्षों से
जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय आज केवल एक बिल्डिंग और एक विश्व सरकार के या सचिवालय के दिशा निर्देश पे चलने वाली संस्था बन जाएंगे, जबकि विश्वविद्यालयों की मूल परिकल्पना में उनका अध्ययन अध्यापन, स्वतंत्र अध्ययन अध्यापन उनका मूल। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप देख